If you're interested in science, then don't forget to subscribe and also click on the bell notification icon for future updates. Hey, 1920 में एडवर्ड हबल ने दूर के एक स्टार के लाइट के रेडशिफ्ट को देखकर के पता लगाया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो क्या है ये रेडशिफ्ट और क्या रिलेशन है इसका हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ और क्या है ये डार्क एनर्जी, जानते हैं इस वीडियो में। इस एक्सपेरिमेंट को एक सिंपल तरीके से समझते हैं। एडवर्ड हबल ने सबसे पहले एक स्टार को ऑब्जर्व किया। उन्होंने उस स्टार की एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी और एक पर्टिकुलर कलर नोटिस किया। जब उन्होंने कुछ टाइम बाद उसी स्टार को दोबारा से देखा तो उस स्टार का कलर रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि वो हल्का सा रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें एक चीज पता है कि रेड कलर की वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब ये स्टार इस प्लैनेट से दूर चला गया। अब अगर ये स्टार इस प्लैनेट से सिर्फ दूर चला जाता ना, तो इसकी इंटेंसिटी ही कम होती। ऐसे इमेजिन करो कि कोई टॉर्च आपसे जब दूर जा रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, राइट? लेकिन इस स्टार की वेवलेंथ खिंच चुकी थी, दैट्स व्हाई वो रेड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब वो स्टार, वो प्लैनेट और उनके बीच का जितना भी स्पेस था वो सब कुछ खिंच रहा था, एक्सपैंड कर रहा था। इसी से उन्होंने कंक्लूड किया कि हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। अब एक छोटी सी चीज को समझते हैं। हमारी यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज, बहुत सारे स्टार्स और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो थ्योरी ये कहती है कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारी यूनिवर्स में जो एक्सपेंशन है वो स्लो डाउन होना चाहिए। लेकिन रिसेंट रिसर्च में हमने देखा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन है वो स्लो डाउन नहीं हो रही बल्कि एक्सेलरेट कर रही है। यानी कि हमारी यूनिवर्स में कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो पहली बात उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ओवरकम कर रहे हैं और दूसरी बात हमारी यूनिवर्स के एक्सेलरेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एनर्जी या फिर ये रिपल्सिव ग्रेविटी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ये रिपल्सिव ग्रेविटी या फिर ये जो एनर्जी है ये एम्प्टी स्पेस में ही पाई जाती है और हमारी यूनिवर्स का टोटल 68% कंस्टिट्यूट करती है। पर क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किसी भी रेडिएशन से, तो हमने इसको नाम दे दिया डार्क एनर्जी। तो ये थी डार्क एनर्जी के बारे में बेसिक सी वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। अगर नहीं समझ आई तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज नाउ श्योर इट्स स्मार्टर देन बिफोर।